दोस्तों आप नाम मात्र के खर्च में आप इस प्रकार से सुंदर पुस्तकालय बना सकते हैं। दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार से तिरपाल की, आप इसको दीवार में चुन सकते हैं। कील की मदद से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इन कीलों की मदद से इस पन्नी को दीवार में चिपका दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका कम बजट में ही बहुत ही सुंदर पुस्तकालय बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप पर सूचना मिल जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक दीवार में पन्नी चिपकाई जा रही है। इसके बाद आप इस वायरिंग वाले पाइप को आप ऐसे इस प्रकार से निकाल लेना, जितने भी पाइप, और टोटल 9 पाइप का हमने इस्तेमाल किया इस प्रकार से, तो 9 पाइप को इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसको सारे को निकालने के बाद इस प्रकार से ऊपर हम फिर कील की मदद से इसको जाम करेंगे। जिस प्रकार से वायरिंग दोस्तों घरों में होती है, आपके ठीक उसी प्रकार से इसको लगाना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बनाने में दोस्तों आपका जो बजट खर्च होगा कम से कम 500 से 700, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, और बहुत ही सुंदर आपका पुस्तकालय बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस प्रकार से बॉर्डर बना लेंगे चारों तरफ से, आप देख सकते हैं ये बॉर्डर बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद कील की मदद से इसको भी जाम कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास 5 बची हैं, 4 बॉर्डर में लग चुके हैं, 5 बची हैं। अब 5ों को हम निशान लगा लेंगे किस जगह पर आपको रखना है। लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए नाप कर ही लगाया जाए तो बेटर होगा, ताकि सबकी समान दूरी दिखाई पड़े। इस प्रकार नापने के बाद आप ऊपर से या नीचे से भी लगा सकते हैं किसी भी प्रकार से। अब बीच बीच में हम इसकी ठुकाई कर रहे हैं। इस प्रकार से आप इन पाइपों को इस पर चस्पा कर देंगे कील की मदद से। तो इस प्रकार से आपका ये बनकर कुछ इस प्रकार से दिखना लगेगा। इसके बाद जो ऊपरी वाला हिस्सा जो हमने निकाला था पहले से ही, उसको इसी पर चिपका देंगे। जैसे वायरिंग होने के बाद तार में डालने के बाद लगाया जाता है उसी प्रकार से, ठीक उसको हम लगा देंगे इस प्रकार से, और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। फिर अब लगाने के बाद नंबर आएगा, कील ठोकरने के बाद आप इस प्रकार से तार, किसी भी प्रकार के तार आप ले सकते हैं जो टाइट हो, और उसको कील की मदद से आप उसे टाइट बांध देना, ऐसे इधर से उधर बांधना है, उधर से इधर, ताकि जो हमारी किताब इसमें रखी जाए वो बाहर ना गिरने पाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, फिर नीचे फंसाने के बाद उस तरफ इसी प्रकार से सारे जितने भी आपने लगाया है उसी के ऊपर हिस्से में आपको इसको अटैच करना है। इस प्रकार से आप कील की मदद से आप उसको इस प्रकार से टाइट कर सकते हैं। और इसके बाद हम किताबों को इस प्रकार से सजाना शुरू कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर अब हमारा पुस्तकालय बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ किताब रखने की देरी है,
और अब हम किताब इसमें रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। किताब की मात्रा ज़्यादा है, कहानियों की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम उसको कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आ सकें। और आप देखेंगे किस प्रकार से हमारा पुस्तकालय लगभग लगभग बनकर तैयार है। आप नज़ारा कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और फिर से निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपका सूचना मिल जाए।